हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस एस टिंगरा, डीएमसी हॉस्पिटल जलंधर, तो तुम्हारे सामने हाजिर हाँ। आज मैं गल करांगा कि कोविड 19 वैक्सीनेशन वास्ते केड़े केड़े स्टेप सानू चाहिए हैं ताकि असी घर के जिहड़े सीनियर मैंबर्स है उन्होंने असी रजिस्टर कर सकीए। सब तो पहला तो जरूरी है कि तुसी कोविन ऐप या आरोग्य सेतु ऐप नू डाउनलोड करो या www.covin.gov.in ते ऑनलाइन तुसी इनू रजिस्टर करा सकते हो। इहदे वास्ते सब तो पहला फोन नंबर जिहड़ा घर दे विच है उन्नू जिहड़ा रजिस्टरी कराने वास्ते तुसी वो फोन नंबर भरोगे तुहानू उत्ते ओटीपी आएगा। उस ओटीपी दे नाल तुसी अपने आप नू फोटो आईडी दे नाल रजिस्टर कर सकते हो, जो कि फोटो आईडी जिहड़ी यूज हुंदी है वह आधार कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है या पासपोर्ट है या वोटर आईडी कार्ड है। उत्थे तुहानू नंबर पूछा जाएगा और उत्थे एक अद्धे सवाल होणगे जो तुहाडी एज वायरस ते पूछे जाएंगे ते तुसी रजिस्टर हो जाओगे। रजिस्ट्रेशन दे नाल वो तुहानू एक स्लॉट मंगणगे कि तुसी किहड़ी जगह ते जाके वैक्सीनेशन कराना चाहते हो और किहड़े टाइम ते जाना चाहते हो। जे तुसी जलंधर दे रहण वाले हो तो तुसी डीएमसी हॉस्पिटल जलंधर नूं भर सकते हो और तुहाडी इत्थे वैक्सीनेशन अच्छी तरह हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन कराने तो बाद तुसी अपने शेड्यूल टाइम पर हॉस्पिटल आना है और जे तुहाडी उम्र 60 साल तो उपर है तो तुहानू सिर्फ फोटो आईडी अपने नाल लिआउण दी लोड़ है। जे तुहाडी उम्र 45-59 ईयर्स दे विच है तो गौरमेंट दे इंस्ट्रक्शनस दे मुताबिक असी सिर्फ कुछ एक बीमारियां वाले मरीजों की ही वैक्सीनेशन कर सकते हाँ और उहदे वास्ते तुहानू सर्टिफिकेट अपनी बीमारी का डॉक्टर कोलों नाल लैके आना है। हॉस्पिटल आने तो बाद ये वेरीफिकेशन तो बाद कोविड 19 की पहली डोज मिलेगी और तुहानू अद्धे घंटे लिए ऑब्जरवेशन दे विच रखा जाएगा। उस तो बाद तुसी घर जा सकते हो और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिसइनफॉर्मेशन वट्सएप दे विच हैगी है इहदे वैक्सीनेशन बारे, मैं तुहानू यह दसना चाहवागा एज अ डॉक्टर कि यह काफ़ी सेफ है और तुहाडे सारयां नू अपने घर दे विच पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।